जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, अच्छे सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों। ये रहा, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट, टेकिंग द ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू। तो बेसिकली यहाँ पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी ने 13 नई डिस्ट्रिक्ट का ऐलान किया है और टोटल डिस्ट्रिक्ट अब कितनी हो गई है ये बात आपको बतानी है पूरे प्रदेश में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26। पूरी बात करेंगे, आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी इनॉग्रेट्स 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अब कितनी हो गई है 26। The न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कार्व्ड आउट फॉर द एग्जिस्टिंग 13 डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये बात आप लोग क्या करेंगे तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप इनके सीएम की फोटो देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला फ्रॉम स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर कौन से इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप ने एक कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला, जिसका स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है फैल्कॉन 9 रॉकेट के साथ यहाँ पर दोस्तों लॉन्च करने की बात कही है। पिक्सल, ध्रुवा स्पेस, बेलैट्रिक्स एरोस्पेस और टीम इंडस, या द करेक्ट ऑप्शन विल बी पिक्सल। पूरी बात करेंगे, इंडियन स्टार्टअप पिक्सल हेडक्वार्टर जिसका कहाँ पर है, बेंगलुरु में, यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला नाम से दोस्तों क्या करी है, लॉन्च की है। द फुल फ्लेज्ड कमर्शियल सैटेलाइट वॉज लॉन्च ऑन बोर्ड फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ एलन मस्क रन स्पेस एक्स फ्रॉम केप कैनवरल इन US। द लॉन्च टुक प्लेस अंडर स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 4 मिशन। द शकुंतला सैटेलाइट इज अ लो ऑर्बिट इमेजिंग सैटेलाइट इंस्टॉल्ड विद वन ऑफ द हाइएस्ट रेजोल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमराज एवर फ्लॉन टू स्पेस, राइट। तो बेसिकली लो ऑर्बिट ही सैटेलाइट रहेगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा आज तक स्पेस में जाने वाले हाई रेजोल्यूशन कैमरा फिटेड है जो कि पहली बार स्पेस में जाएंगे। सैटेलाइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना शकुंतला, ठीक है। दिस विल हेल्प टू ट्रैक द इनविजिबल चेंजेस ऑफ द अर्थ लाइक डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल गैस लीकेजेस, पोल्यूशन, डिक्लाइनिंग क्रॉप हेल्थ, मेल्टिंग आइस कैप्स एंड अदर डेटा क्रिटिकल फॉर द क्लाइमेट चेंज असेसमेंट। तो ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है पिक्सल, एक इंडियन स्टार्टअप के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर ऐप मोबाइल एप्लीकेशन दैट विल बी लॉन्च बाय टाटा ग्रुप इन क्लोज कॉम्पिटिशन विद व्हाट्सएप, गूगल पे एंड अमेजन पे, राइट। तो बेसिकली आपको उस नाम, उस सुपर ऐप मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है जो कि लॉन्च किया गया टाटा के द्वारा, है ना, और बहुत ही क्लोज कंपटीशन यहाँ पर रखेगा व्हाट्सएप, गूगल पे और अमेजन पे से, ठीक है। ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी टाटा न्यू, राइट। तो यहाँ पर टाटा न्यू एक सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉमेमोरेट किया गया है टाटा ग्रुप के द्वारा टू लॉन्च इन ऑन वन स्टेप मोबाइल ऐप कॉल टाटा न्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। टाटा न्यू इज बीइंग लॉन्च एज अ सुपर ऐप वेयर यूजर्स कैन फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम ग्रोसरीज टू गैजेट्स एंड गेटवेज एंड गेटवेज, राइट। एवरीथिंग यू कैन फाइंड ऑन दिस पर्टिकुलर ऐप। ऐप विल बी इनेबल यूजर्स टू असेस ऑल डिजिटल सर्विसेज एंड ऐप्स ऑफर टाटा ग्रुप सच एज एयर एशिया फ्लाइट्स, बुकिंग होटल्स एट ताज ग्रुप, ऑर्डरिंग ग्रोसरीज फ्रॉम द बिग बास्केट एंड मेनी अदर सर्विसेज। पेमेंट्स कैन बी मेड इंस्टेंटली फ्रॉम द ऑनलाइन एंड इन स्टोर परचेजेस, यूटिलिटी बिल्स एंड मोर, एंड यूजिंग टाटा पे UPI based digital payment services, right? And give a stiff competition to all the commercial platforms like Amazon, Flipkart, Jio platforms and also the
पेमेंट गेटवेज लाइक पेटीएम और योर जीपे और योर अमेजन पे एंड द कंज्यूमर डिजिटल इकोनॉमी स्पेस ऑल्सो, राइट? तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, नया इनिशिएटिव, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस अवेयरनेस और जीके अवेयरनेस से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है दोस्तों. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. फ्लिपकार्ट हैज लॉन्च अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विद स्पेशल फोकस ऑन द डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज एंड इक्विटेबल असिस्ट टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन कम्युनिटीज, राइट? वॉट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? फ्लिपकार्ट केयर, फ्लिपकार्ट चैरिटी, फ्लिपकार्ट हेल्प और फ्लिपकार्ट फाउंडेशन. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी फ्लिपकार्ट फाउंडेशन. नाउ यू विल गो थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ इट. तो बेसिकली जो रूरल एरियाज की वुमेन है उनके ग्रोथ के लिए एक लॉन्च किया गया है यहाँ पर फ्लिपकार्ट फाउंडेशन. पूरी बात करेंगे. Homegrown e-commerce giant, the Flipkart Group has constituted and launched the Flipkart Foundation, a new platform with focus on development in rural areas and providing equitable access to growth opportunities for women and other disadvantaged communities, right? The Flipkart Foundation aims to positively influence 20 million lives directly and indirectly in the coming decade. Right across the wide array of the areas using Flipkart's learning over the years. तो यहाँ पर एक positive influence करीबन direct और indirect जो decade आने वाला है 10 सालों में, basically यहाँ पर ये एक बहुत ही wide array बनाने वाला है, एक change लाने वाला है communities में. The operations of Flipkart Foundation will be grant based. The contribution will come from the Flipkart Group, that is charity. Checkout, right? Flipkart Foundation will engage the diverse stakeholders to enable transformational development work for the society of the economy, right? Basically, अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया. आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिर्फ यही कि कौन सा ऐसा ई कॉमर्स जायंट है जिसने वुमेन्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया है और बेसिकली रूरल एरियाज की वुमेन को टारगेट किया है. तो ये रहेगा आपका फ्लिपकार्ट फाउंडेशन. नेक्स्ट चलते हैं. द अवार्ड ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड फॉर द ईयर 2022 ग्रैमी हैज बीन बेस्टोड ऑन. ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन. करेक्ट विल बी लीव द डोर ओपन. नाउ वी विल सी ग्रैमी अवार्ड्स. Edition कौन सा है? 64th, right? Premier Awards for the Music. The award ceremony took place on April 3 at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, right? Basically, कौन कौन से major categories है देखो. Record of the Year, Leave the Door Open, Silk Sonic. Album of the Year, VR, ठीक है. Song of the Year, that Leave the Door Open, right? और आपका Best New Artist, Olivia Rodrigo, right? तो ये चार point है जो important है. और मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, Grammy तो एक सपना है हर सिंगर के लिए. तो इट मस्ट बी नोटेड दैट द इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज ऑल्सो वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर दिस एल्बम डिवाइन टाइट्स एंड द बेस्ट न्यू एज एल्बम. ही वॉन द अवार्ड जॉइंटली विद द रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड एंड इज द सेकेंड ग्रैमी अवार्ड विन फॉर केज, राइट? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट चलते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इनॉग्रल स्पेशल रेपोर्टर ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज बाय UNHRC. Options are there on your screen. Correct will be Dr. Ian Fry. तो पहले तो दोस्तों देखो कि यहां पर UNHRC ने अपॉइंट किया है डॉक्टर ईयान फ्राई को एज अ वर्ल्ड फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज. डॉक्टर फ्राई हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड ही होल्ड्स ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ टुवालु एंड योर ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो यहाँ पर इन्हें क्या किया गया दोस्तों, अपॉइंट किया गया है. द न्यू इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट विल बी मैंडेटेड टू स्टडी द आइडेंटिफाइंग हाउ एडवर्स क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट्स इंक्लूडिंग सडन एंड स्लो ऑनसेट डिजास्टर. तो बेसिकली इन्हें अपॉइंट किया गया. ये हमारे पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. साथ ही साथ UNHRC का हेडक्वार्टर कहाँ है ये एक बात जरूर आप लोग देख लीजिएगा और एस्टेब्लिशमेंट डेट भी आप लोग जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों. साथ ही साथ क्या काम ही करता है, मेन क्या है मोटिव, ये भी आप देखिएगा क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के लिए दोस्तों बहुत माना जाता है ना. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं. विक्टर ऑर्बन हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 2022 जनरल इलेक्शन फॉर द 4th year स्ट्रेट. ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन. करेक्ट विल बी हंगरी. नाउ यू हैव टू सी द फोटो ऑफ हिम फर्स्ट, राइट? तो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन won the 4th successive term in office by landslide victory in the country's general elections of 2022. The right-wing
पार्टी सिक्योर 53.1 ऑफ द टोटल 98% ऑफ द काउंट कंप्लीट, राइट। चौथी बार स्ट्रेट अवे ये क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोस्तों हंगरी के। इंटरनेशनल अफेयर्स क्या याद करना आप लोगों को बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी श्री राम चौलिया। तो यहाँ पर पहले फोटो देखेंगे तो न्यू बुक टाइटल क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस हैज बीन रिलीज्ड, ऑथर्ड बाय श्री राम चौलिया, अ सोशल साइंटिस्ट and an opinion maker in the international issues. The new book gives a comprehensive analysis of how new India under the prime ministership of Narendra Modi since 2014 helped to transform India's national security policy, right? तो यहाँ पर book launch की गई है, books and authors का match the following का बड़ा अच्छा combination बनता है exam में, तो आप इसका जरूर ध्यान रखिए, हर मंथ आप एक अलग से सेपरेट चार्ट बना लें बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आप प्रोवाइड हो जाए तो आप अविजन की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम भी जरूर चेक करिए, वहाँ पर भी अपलोड कर दिए जाते हैं बायफर्केट करके। नेक्स्ट चलते हैं, विच प्लेयर हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी कार्लोस अल्काराज, राइट। तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 37th एडिशन मेंस वुमेन्स इवेंट हुआ था 22 मार्च से अप्रैल 3 तक मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा में, और यहाँ पर मियामी ओपन क्लासिफाइड एंड ATP मास्टर्स 1000 इवेंट एंड 22 ATP टूर WTA 1000 इवेंट एंड WTA टूर। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी सेम जो मैंने बताया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। और उससे पहले मैंने पिछले करंट अफेयर्स में विमेंस के बारे में बात की थी और यहाँ पर मियामी ओपन टूर्नामेंट ओवरव्यू मेंस टाइटल के ऊपर बात की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन के ऊपर। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल मैरिटाइम डे ऑन विच डे ऑफ द ईयर, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 5th of April। पूरी बात करेंगे, इंडिया नेशनल मैरिटाइम डे कब ऑब्जर्व करता है, हर साल 5 अप्रैल को 1964 से दिवस मनाया जा रहा है और 2022 में 59th एडिशन इसने मनाई है। यहाँ पर थीम नहीं दी गई तो थीम आपको याद नहीं करनी है। ऑन दिस डे नेविगेशन हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड व्हेन SS लॉयल्टी और द फर्स्ट शिप ऑफ द सिंडिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू UK, अ क्रूशियल स्टेप फॉर इंडियन शिपिंग हिस्ट्री व्हेन सी रूट्स वर रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल बाय द ब्रिटिश, राइट। तो यहाँ पर नेशनल मैरिटाइम डे हमारे देश में कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। दोस्तों ये बात आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।